गाइडलाइन निकाली गई है, उसमें लिखा है नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो बंद रहेगी, दुकानों का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जो आज फ्राइडे है, ये हमने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि आज हम पूरी तरह अपने मार्केट खोलेंगे। और कुछ देर पहले मेरी एडमिशन के साथ बात हुई, तो उन्होंने मैंने उनसे यही कहा कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो हमारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाकर डिसाइड करेंगे। तो लेकिन ये हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है, ये उनसे मिलकर आएंगे, आगे की बात ये आपको बताएंगे। जी शमसूख जी, आपकी मुलाकात हुई है जिला प्रशासन के साथ, किस तरह के डिसीजन जो है वो लिए? एक्चुअली ये बड़े शॉर्ट नोटिस में हमको जाना पड़ा, क्योंकि 26 जनवरी थी कि 27 को उनसे मुलाकात भी हुई। पिछला हफ्ता ऐसे ही बर्बाद किया भोपाल का, हो नहीं पाया, पैनिक रही टाउन में। हम उसमें रोशनी चाहते थे कि भाई एक्चुअली करना क्या है हमें, तो हमने गुजारिश मैडम से जो की, हमने कहा शनि ऐतवार मत बंद करो, ये हम खुला रखेंगे। क्योंकि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से यही हुआ, जब ब्रह्मानी साहब की उनसे बात भी हुई, तो हमने भी उसी पैरामीटर्स पर बात की है कि शनि ऐतवार हम दुकानें खुली रहेंगी। मगर उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जहां गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कि वो जो नॉन एसेंशियल्स है उसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगी। अब मैडम कहती है अभी इस हफ्ते के लिए जो संडे तक है इसका जी है, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, नॉन एसेंशियल भी उनसे बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे। हम भी कंफ्यूज है नॉन एसेंशियल में। हमने उनसे ये जरूर कहा कि जो आपको गाइडलाइंस आई हैं, यूटी जो भी एलजी साहब ने निकाली हैं, हम भी कहते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, मगर टाउन में पैनिक ना पड़े। मेरी ये गुजारिश है कि हम इमीडिएटली जो भी लोग हैं व्यापारी वर्ग, हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलेंगे, उनसे ये गुजारिश करेंगे, ये जो तारबंदी या अनाउंसमेंट जो हो रही है इसको थोड़ा रोका जाए, तो इसके साथ क्या हो रहा है, एक पैनिक क्रिएट हो रही है। अनाउंसमेंट होती है कोई पूरी सुनता नहीं है, तो उससे क्या होता है, वो सोचते हैं बंद बंद बंद। इसके लिए हम अभी ये हमने डिसाइड किया, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके फिर आपको अगले हफ्ते का कार्यक्रम बताएंगे हमको क्या करना है। क्या कल और परसों जो है उधमपुर शहर बंद रहेगा? नहीं नहीं जी, बिल्कुल उधमपुर खुला रहेगा, दुकानें तो बिल्कुल 101% खुली रहेगी। आगे लोग व्यापारी वर्ग इसकी माल झेल रहा है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी बारिशें हुई हैं, कोई कारोबार नहीं है। हमारी तो गुजारिश है कि अगले हफ्ते का हम अभी मैडम से बात करके या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके फिर आपको ये कल और रोशनी डालेंगे इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।